हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है सोठौरा सोट की लड्डू। हम यूपी में इसे सोठौरा कहते हैं। ये बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इम्यूनिटी से भरा होता है। इसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। इससे बॉडी में एनर्जी आ जाती है। खासकर ये आफ्टर डिलीवरी जो महिलाएं होती है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये खाने से उनका जो रिकवरी होता है बहुत ही जल्दी होता है। तो ये लड्डू मैंने और मम्मी जी ने मिलकर साधना के लिए बनाया है। तो आज आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू, पिस्ता, छुहारे, बादाम और सूखा नारियल। इन सभी को अच्छे से हम दरदरा मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। और साथ ही में यहाँ पे एक कटोरी मैंने किशमिश ले लिया है। इसे इसी तरह से हम साबुत डालेंगे, इसे हमें पीसना नहीं है। साथ ही में फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी गोंद, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत बहुत हेल्दी रहता है हमारी बॉडी के लिए। और इसके साथ ही ले लिया है सौंठ। सोठौरा बना रहे हैं तो सौंठ तो इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। कहीं कहीं इसे सौंठ का लड्डू भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसे ओखली जो हमारा छोटा सा है उसमें मैंने इस तरह से इसे क्रश कर लिया है, ताकि इसे मिक्सर ग्राइंडर में इसका पाउडर बनाना इजी हो। आप चाहे तो रेडीमेड पाउडर भी ले सकते हैं मार्केट से, बट ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये देखिए, हमारा पाउडर भी हो गया है सोट कर रेडी। और ये सब हमारे इंग्रेडिएंट्स को भी हम अभी पीसेंगे। तो यहाँ पे इस सब के साथ मैंने ले लिया है मेथी दाना। मेथी दाना हमारे कमर का पेन, जोड़ों का पेन और बहुत ही फ़ायदा करता है हमारे बॉडी का, जो हमारा वेट बढ़ा रहता है उसे भी लूज़ करने में। तो मेथी दाना ज़रूर डालें। इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए यहाँ पे हाफ कटोरी ही लिया है। साथ में देसी गुड़ लेंगे, यहाँ पे 1 kg देसी गुड़ है। अब हम मोटे तले का एक कढ़ाई ले लेंगे। इसमें सबसे पहले मैंने मखाने को अच्छे से रोस्ट किया है। तो ये देखिए, मखाना भी हमारा अच्छे से 2-3 मिनट रोस्ट करने पर हो चुका है। तो इसे हम ठंडा करके इसे भी सारे ड्राई नट्स के साथ इसका भी हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में मेथी दाने को भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इसका मॉइस्चर ख़त्म होने तक। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, इसे भी हम मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से इसका पाउडर हम बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने 2 kg ले लिया है तीसी, जिसे अलसी भी कहते हैं। तो इसे भी हम मॉइस्चर ख़त्म होने तक 2 से 3 मिनट धीमी आँच पर इसे रोस्ट करेंगे। सभी को हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 kg अलसी को 3 बैच में रोस्ट किया था। अब इसे ठंडा करके इसका भी हम दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, ये पाउडर हो गया है रेडी। और ये देखिए इसका टेक्सचर, ये ज़्यादा हमें बारीक नहीं करना है, बस हल्का दरदरा है, परफेक्ट। ये हमारी तीसी भी हो गई है रेडी। तो फ्रेंड्स, सभी ड्राई फ्रूट्स, मेथी, अलसी, सभी को ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तिखुर का। तो यहाँ पे 2 बड़े चम्मच से घी लिया है, देसी घी, घर का ही बना हुआ घी है। इसे हमने मेल्ट कर लिया है। जैसे घी मेल्ट होगा, हम इसमें तिखुर को डाल देंगे और इसे धीमी आँच पे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से हम इसी तरह से रोस्ट करेंगे। सभी को हम इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे करीब मैंने 1 kg यहाँ पे लिया है तिखुर। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसी कढ़ाई में वापस से 2 चम्मच घी डालेंगे और हमने जो गोंद लिया था उसे हम इसमें डाल देंगे सभी को, और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारा गोंद फ्राई होने लगेगा, कुक होने लगेगा, ये अपने क्वांटिटी में डबल हो जाता है, फूलने लगता है लावे की तरह। तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए क्वांटिटी इसकी डबल हो गई है। और ये परफेक्ट हमारा जो गोंद है, अच्छे से ये फूल चुका है, रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसका भी पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम फ्रेंड्स वापस से उसी कढ़ाई में, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अलसी का ही तेल, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है। तो यहाँ पर मैंने करीब 1 पाव अलसी का तेल लिया है और इसमें 1 कटोरी हल्दी डाल दे रही। हल्दी बहुत ही अच्छा रहता है, एंटीसेप्टिक है, तो बहुत ही अच्छे से ये रिकवर में काम करता है। तो यहाँ पे हम धीमी आंच पे स्लो फ्लेम रखेंगे गैस का, और अच्छे से हल्दी को हम इस तेल में कुक कर लेंगे। तो हल्दी और तेल भी अच्छे से कुक हो चुका है, और साथ ही में हमारा ये जो है
गोंद भी अच्छे से ठंडा हो चुका था, तो इसे हमने देखिए इस तरह से पाउडर तैयार कर लिया है। और अब हम उसी कढ़ाई में डाल देंगे गुड़ जैगरी, हमने जितना लिया था 1 kg, ये देसी गुड़ है गांव का, तो इसे भी हम अच्छे से मेल्ट करके इसकी चाशनी को रेडी कर लेंगे। यहाँ तारों वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस हल्की चिपचिपी रहनी चाहिए गुड़ की चाशनी। तो ये देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो चुका है, बॉयल भी हो रहा है। तो अब हम कर देंगे गैस के फ्लेम को ऑफ, और यहाँ पे ये देखिए काजू बादाम पिस्ता छुहारे नारियल और जो हमारे मखाने थे सभी को मैंने अच्छे से यहाँ पे दरदरा पीस लिया। कुछ मखाने को मैंने इसी तरह से रखा, और ये हमारा गोंद का पाउडर, मेथी का पाउडर, साथ में सौंठ जो हमारा पाउडर है, और ये रहा जो हमारे साबुत जाएंगे, ये हैं चिरौंजी और खसखस, साथ में किशमिश, इन्हें हमें पीसना नहीं है ना ही रोस्ट करना है। और ये रहा हमारा तिखुर। तो सभी सामान यहाँ पे हो चुका है रेडी, और साथ ही में यहाँ पे हल्दी और तेल जो हमने कुक किया था वो भी रेडी हो गया। और ये हमारा जो अलसी है वो हमने इस तरह से बड़े बर्तन में ले लिया है, ताकि जो लड्डू बनाने का जो मिक्सर है वो अच्छे से गिरे ना, अच्छे से मिक्स कर सके, लड्डू बन सके, इसलिए हमने बड़ा लिया यहाँ। अब लड्डू बनाने का काम मम्मी करेंगी। तो सबसे पहले अलसी में मम्मी ने तिखुर को डाल दिया है, सभी जो हमने तिखुर को रोस्ट किया था, और यहाँ पे अब जो हमारे साबुत इंग्रेडिएंट्स है उसे डाल रहे हैं। तो ये यहाँ पे है खसखस, खसखस को भी सेम क्वांटिटी में लिया जितना ड्राई फ्रूट्स था, एक कटोरी, सभी की क्वांटिटी एक एक कटोरी हमने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे चिरौंजी और किशमिश को भी डाल रही हैं, किशमिश की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, साथ में यहाँ पे सोट का पाउडर और अब गोंद का पाउडर, यहाँ पे गोंद का पाउडर पूरा डाल दे रही हैं। और अब सारा जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है वो डाल देंगे यहाँ पे। तो बर्तन बढ़ा लेंगे इस तरह से तो बनाने में इजी रहता है। और अब सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मम्मी अच्छे से यहाँ पे पहले मिक्स कर ले रही हैं। सभी को मिक्स करने के बाद अब इसमें हल्दी और तेल जो हमने गर्म किया था, बॉयल किया था, उसे भी यहाँ पे डाल दे रही हैं, और इसे भी साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगी। तो ये देखिए इस तरह से डाल के मम्मी मिक्स कर रही हैं। तो हल्दी और तेल को यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं करीब 1 पाव यहाँ पे घी डाल रहे हैं। घी भी बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए, तो यहाँ पे 1 पाव के करीब घी भी डल चुका है, तो इससे काफ़ी जो लड्डू में है ना मॉइस्चर आ जाता है। तो अभी सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से यहाँ पे मम्मी जी मिक्स कर ली हैं। और अब हम लेंगे एक छोटा सा बर्तन इस तरह से, और यहाँ पे हमारा गुड़ का चाशनी भी हो गया रेडी। तो छोटे से बर्तन में यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा ले लेंगे पहले जितना भी हमारा मिक्सर है वो, मिक्स वाला जो हमने सामान लिया वो, और इसमें हम 2 से 3 चम्मच इस तरह से बड़े चम्मच से डालेंगे गुड़ की चाशनी को। और यहाँ पे एक छोटे चम्मच से इसे पहले मिक्स करेंगे क्योंकि गुड़ काफ़ी गर्म है अभी। तो यहाँ पे गुड़ की चाशनी को अच्छे से चम्मच से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा होने पे हाथों से हम इसे रब करके इस तरह से प्रेस करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे दोनों को। तो यहाँ पे गुड़ की चाशनी को अच्छे से मिक्सर में मिलाने के बाद थोड़ा सा हम देखिए हाथों के बीच में इस तरह से प्रेस करते हुए इसका लड्डू हम बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए मम्मी बना रही हैं, तो काफ़ी मुश्किल होता है थोड़ा बनाने में, बट आप इस तरह से थोड़ा सा गर्मा गर्म ही बनाएंगे, चाशनी गर्म रहना चाहिए तो जल्दी से लड्डू बनता है। तो ये देखिए हमारा ये एक लड्डू परफेक्ट बनके रेडी हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरा भी यहाँ पे मम्मी जी देखिए बना रही हैं, तो इसी तरह से सभी लड्डू को बना लेंगे। तो ये देखिए दूसरा भी अच्छे से बन गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से सारा लड्डू यहाँ पे मम्मी जी बना लेंगी। तो ये लड्डू बहुत ही हेल्दी रहता है आफ्टर डिलीवरी रिकवरी के लिए। अगर आपके घर में या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स या आपके रिलेटिव से या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई प्रेग्नेंट है जिनकी डिलीवरी होने वाली है या फिर हो चुकी है, तो आप इनके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें, आप भी अपने घर में बनाएं। और ये आप ऐसे भी खा सकते हैं कमर दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, साथ में आपको जो थकावट महसूस होती है वीकनेस होती है वो सब भी ख़त्म हो जाएगी,
तो ये देखिए मम्मी जी ने बड़े ही प्यार से सभी लड्डू को बनाकर रेडी कर दिया है। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।